दोनों टीमें अगर हम देखें तो पंजाब पिछला मैच जीत कर आई है और आरसीबी हार कर आई है। मैं तो चाहूंगा कि आज का मैच आरसीबी जीत ही जाए। जो लीडरशिप ग्रुप की उस एक कमी है ना, वो पंजाब में शुरू से रही है। ये विराट कोहली को कप्तान बना के मानेंगे, ये बड़े कट्टर वाले फैन है विराट कोहली के। छठवां बड़ा मुकाबला आज आईपीएल 2024 का देश मना रहा है, दो दो बड़ा त्योहार। जी हाँ, छठवां मुकाबला आरसीबी वर्सेस पंजाब और आज है होली का पर्व। हालांकि हम लोग रंगों में नहीं रंगे हुए हैं, उसका कारण है कि हम लोग आपके लिए ये शानदार वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आप अपनी राय बताते रहें, ठीक ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहें। आज हमारे दोनों साथी फिर से जुड़ चुके हैं, भारत सूरज और हिमांशु। नमस्कार, मैं प्रत्यक्ष दुबे, स्वागत है आपका आईपीएल पंचायत में। आज के इस मुकाबले में एक ऐसी टीम जिसका नाम पूरे सोशल मीडिया में तैरता है, जिसके खिलाड़ी, जिसके पास पावर हिटर्स हैं, जिसके पास अव्वल दर्जे के गेंदबाज है, आईपीएल ट्रॉफी से हमेशा दूर रही है वो टीम, ठीक दूसरी टीम पंजाब। इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी उस टीम में, पहला मुकाबला जीती है, हौसला बिल्कुल ही बुलंद है और साथ ही इस बार आईपीएल कप उठाने की दावेदार मानी जा रही है। मेरे दोनों साथी जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं भारत के पास जाऊंगा और आज के मैच के बारे में इनकी प्रतिक्रिया लूंगा। भारत, क्या ख्याल है आज के मैच के बारे में? होली के रंगों में रंग पूरा देश डूबा है, आज का मैच कैसा होने वाला है? देखिए, होना तो ज़बरदस्त चाहिए, वो होगा भी, क्योंकि आपने कहा भी कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो छोटे छोटे कप को पचा नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाता है। शायद यही कारण भी है कि आरसीबी अब तक जो है आईपीएल की ट्रॉफी को उठा नहीं पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर विराट कोहली कैसा खेलेंगे, कितना खेलेंगे और कब तक खेलते रहेंगे आज के मैच में, ये देखना बहुत लाजमी होगा। मैं तो चाहूँगा कि आज का मैच आरसीबी जीत ही जाए। पहले मैच में निराशा मिली थी, आरसीबी की वुमेन्स टीम ने कप उठा लिया है, सोशल मीडिया पर यूं ही ट्रोल हो रहे हैं, पहला मैच भी हार गए। आज कम से कम जीत मिले, और जीत यूं ही ना मिले, ज़बरदस्त सा मुकाबला हो। एक रात पहले तो देश ने देखा है ना ज़बरदस्त सा मुकाबला, वैसा कुछ हो, कुछ टसल भी हो, क्योंकि जब तक लड़ाई ना हो ना, थोड़ा एक वो एक नेक टू नेक फाइट ना हो, और सिर्फ वो रनों की फाइट की बात नहीं कर रहा मैं, थोड़ा आँखें वाँखें दिखाए, थोड़ा वो एग्रेशन आए जो कोहली थोड़ा लग रहा है भूल गए हैं। हार्दिक पांड्या तो पूरे एग्रेशन में है, हाँ शुभमन गिल एग्रेशन में रहते हैं, नए खिलाड़ी आए हैं वो एग्रेशन में रहते हैं, तो विराट कोहली थोड़ा शांत सा मुझे लग रहे हैं। कोहली के एग्रेशन को याद कर रहे हैं भारत, और शुरुआत से लेकर के अंतिम के स्टेटमेंट में लगातार इन्होंने बेंगलोर पे टिप्पणी की है और इन्होंने बेंगलोर को बार बार कोसा है। हिमांशु, क्या कहेंगे आप? बेंगलोर के बड़े फैन है विराट कोहली के, भी क्रिकेट को उस लिहाज से नहीं देख रहे हैं, ये एक फैन के तरीके से देख रहे हैं। लेकिन अगर आज के मैच में दोनों टीमें अगर हम देखें तो पंजाब पिछला मैच जीत कर आई है और आरसीबी हार कर आई है, तो पंजाब का अपर हैंड इस मैच में है। और पिछला मैच और इनकी नेक टू नेक फाइट भी देखेंगे तो पंजाब ने ज़्यादा मैच जीते हैं, पंजाब ने 17 मैच जीते और आरसीबी ने कुल 14 मैच जीते हैं। जो अभी तक दोनों के बीच मैचेस हुए हैं उसमें पंजाब का पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो दोनों टीमों के लिहाज को दोनों को एक साथ रख के देखें, प्लेयर टू प्लेयर कंपेरिजन करें, तो मुझे अभी भी लगता है कि पंजाब की टीम ज़्यादा हैवी है, बैटिंग उसकी ज़्यादा अच्छी है बजाय कि आरसीबी के। आरसीबी के पास अच्छे प्लेयर हैं, ग्लेन मैक्सवेल है, फाफडू प्लेयर हैं, विराट कोहली हैं, रजत पाटीदार भी हैं, उसके अलावा सामने पंजाब में शिखर धवन, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, दोनों ने पिछला मैच जिताया, उसके अलावा प्रभसिमरन सिंह, ऊपर से ये हमारे पास 4-5 अच्छे बैट्समैन हैं पंजाब के पास। कितने भी अच्छे बैट्समैन और मजबूत खिलाड़ी हों, फैन फॉलोइंग तो आरसीबी की ज़्यादा है। आरसीबी, लेकिन दोनों टीमें नहीं जीती हैं, आप ये देखिए, जहाँ आरसीबी नहीं जीती है वहाँ पंजाब भी नहीं जीती है। आरसीबी की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है क्योंकि वहाँ से विराट कोहली खेलते आ रहे हैं लगातार, पंजाब दोनों दिल्ली बॉय हैं, शिखर धवन और विराट कोहली दोनों दिल्ली के लिए खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और शिखर धवन की कैप्टनसी जो है और फाफडू प्लेसिस की कैप्टनसी को देखें तो फाफडू प्लेसिस ज़्यादा अच्छे कप्तान हैं। लेकिन देखना ये होगा कि दोनों टीमों में बैटिंग किसकी ज़्यादा चलती है, बॉलिंग दोनों की ठीक ठाक है। पंजाब के पास अगर रबाड़ा है तो उधर से भी अच्छे बॉलर हैं, इधर से पंजाब के पास राहुल चहर भी हैं, तो बॉलिंग ठीक ठाक है लेकिन बैटिंग के बीच टक्कर होगी। और मैच कहाँ है? एम चिन्नास्वामी, बेंगलुरु, तो आप समझिए कि आज तो रनों की बारिश होने वाली है। बल्लेबाजों के लिए पिच बहुत ही शानदार होने वाली है, और साथ ही हमारे साथी ये बोल गए हिमांशु कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग कितनी भी बड़ी हो लेकिन टीम फॉर्मेशन अगर अच्छी हो तो मैच जीतने में बहुत ज़्यादा कसर और समय नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि फैन फॉलोइंग मैटर करती है या फिर रुतबा, टीम का फॉर्मेशन? पता है क्या है कि
आप आरसीबी के मैचेस को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आरसीबी फंस जाती है बस आखिरी में जाके। इन्होंने बताया कि फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी जो है बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि मैं इस बात से असहमत हूँ, तो मुझे लगता है फाफ कहीं ना कहीं कप्तानी में ही कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि आरसीबी बहुत बड़े बड़े रन बना के भी मैच हार गई है आखिर आखिर में। आप सही समय पे सही फील्डिंग कई बार सेट नहीं कर पाती और मतलब फील्डिंग के लिहाज से हम देखें तो भी थोड़ा कप्तान जो है तो ढीला मुझे लगता है खिलाड़ियों को छोड़ देते हैं आखिरी। इतने कप्तान आप बदलवाएंगे, फाफ डु प्लेसी आ चुके हैं, विराट कोहली, इतने बड़े कप्तान। कप्तान बदले हैं पर टीम अभी भी कोहली के नाम से चलती है, कोहली के दिमाग से चलती है, कोहली के बल्ले से चलती है। और मुझे लगता है कि कोहली ने कहीं ना कहीं अगर कप्तानी क्यों छोड़ी थी वो तो फिर अलग किस्सा हो जाएगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये लगातार राजनीतिक खबर पे अपनी नज़र बनाए रखते हैं और ये ठीक उसी तरीके से बयान दे रहे हैं कि अध्यक्ष चाहे जो भी हो जाए सरकार कोई और चलाता है। खेल में तो देखिए होता है, हमने देखा भी। ये अलग बात है कि इस बार जरा ये धोनी ने उस तरीके से चाव नहीं लिया, उसने बोला चलो भैया आप तो बहुत ज़रूरी है कि ऋतुराज ही जाकर इसकी रिव्यू की बात करें, मैं ना करूं। लेकिन आरसीबी में खेल अलग है ना, कल नहीं जा रहे हैं कोहली को भी टिकना है, आरसीबी को कप उठा के देना है। आज की जो मैच होगी ना उसमें ज़्यादातर ध्यान कप्तानी पर ही होगा भी और रखना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बताया कि बॉलिंग दोनों के मतलब दोनों टीमों के पास जो बॉलर्स की बात करें तो अच्छे खासे बॉलर्स हैं, बैट्समैन भी कोई दोनों के पास कम नहीं है, कम मतलब अच्छे ना ही आप कह सकते कि बहुत उम्दा बहुत भयंकर उम्दा है। अगर इस तरफ पाप है विराट है तो वहाँ पर भी शिखर धवन है ना, तो आप मतलब इनका जो एक बात गलत है कि विराट कोहली कैप्टनसी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। विराट कोहली अब पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं और फाफ डु प्लेसिस ही कैप्टन है, वही अपने हिसाब से टीम चला रहे हैं। देखिए बेंगलोर के साथ शुरू से क्या दिक्कत है, शुरू से एक ही दिक्कत है कि उनकी बॉलिंग, इस साली बॉलिंग में उनके पास कुछ नहीं है। एक अलजारी जोसेफ हैं वेस्ट इंडीज़, इधर से मोहम्मद सिराज हैं और यश दयाल हैं। मोहम्मद सिराज यश दयाल उतने अच्छे बॉलर नहीं हैं जितने कि कगिसो रबाड़ा या राहुल चहर हैं, ये दो पंजाब के पास रबाड़ा हैं। आप अच्छे आंकड़े दे देते हैं, एक फैन की भावनाओं को आप नीचे पहुंचा दे रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं फैन की भावनाओं को। पहली तो ये कि फाफ डु प्लेसिस नहीं है कैप्टन, विराट कोहली अपने हिसाब से चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा है ही नहीं। चला रहे अपने हिसाब से चलाने की बात नहीं, कोई घर अकेले एक आदमी थोड़ी चलाता है भैया यार। विराट कोहली विराट कोहली, ये तो कह रहे हैं विराट कोहली विराट कोहली, फिर आपको क्यों दिक्कत है? नहीं, लीडरशिप ग्रुप में विराट कोहली का रोल होगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन टीम जो है वो बनाई फाफ डु प्लेसिस ने और उन्हीं के हिसाब से चल रही है। जब फाफ डु प्लेसिस चेन्नई में थे तब वो कैसे खेल रहे थे, और पिछला सीजन उन्होंने आरसीबी के लिए बहुत शानदार खेला था, इस सीजन में वो अच्छा करेंगे, लेकिन टीम उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। टीम के साथ विराट कोहली का भी उस हिसाब, पहले मैच ने निराशा दी कि नहीं दी? बिल्कुल निराशा थी। आरसीबी के फैंस के लिए किसने निराशा नहीं दी? पहले मैच में बॉलिंग ने क्या किया, बॉलिंग बिल्कुल कमाल नहीं कर पाई, और जबकि मैच अच्छा खासा बन गया था, 176 रन कम नहीं थे उस पिच पे। यानी कप्तानी में कहीं तो कुछ तो कमी रह गई होगी? नहीं, कप्तानी में कमी नहीं है, कमी है कि ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं क्लिक कर पा रही है। कैमरन ग्रीन 17-18 करोड़ के प्लेयर हैं, ना वो उनका बल्ला चला, ग्लेन मैक्सवेल का बैट नहीं चला, और एकदम से कोलैप्स हो गया जो मिडिल ऑर्डर का, उससे कहीं ना कहीं पहले मैच में नुकसान पहुंचा था। ज्यादा पैसे वाले खिलाड़ी क्या ज्यादा अच्छा खेलने जरूरी है क्या भारत? देखिए यही चीज़ ना फंस जाती है, यहीं पर सारा खेल फंस जाता है। अब इन्होंने आंकड़ों की बात कर ली कि 17-18 करोड़ के खिलाड़ी हैं, उनका बल्ला नहीं चला, हाँ बॉलर नहीं है। मोहम्मद सिराज आप कैसे कह सकते हैं मोहम्मद सिराज इज नॉट अ गुड बॉलर? मोहम्मद सिराज T20 के अभी उतने अच्छे बॉलर नहीं है जितने कि वो टेस्ट के हैं। रेड बॉल में मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस अलग है और T20 क्रिकेट में अलग है। मुझे लग रहा है ना कि आरसीबी, मैं इस बात से सहमत हूँ उनसे कि आरसीबी अपनी टीम को अच्छे से बांध नहीं पा रही है। एग्जीक्यूशन के लेवल पर जो है थोड़ी दिक्कत है कि कौन से बोल, मतलब कि सिराज के पास ना मुझे लगता है कि उनको टोटका नहीं दिया गया होगा, भैया तुम ये समझ लो कि तुमको जा रहे हो तो तुमको इतना करके आना। अभी भी ये कप्तानी की तरफ इशारा कर रहे हैं और कप्तान पे चोट कर रहे हैं। हिमांशु अब हम आना चाहिए, मुझे तो लगता है, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब विराट कोहली को ना सोचना चाहिए कि भैया फिर से ये कप्तानी पे चोट कर रहे हैं। हिमांशु अब पंजाब की टीम के बारे में बात करेंगे, पंजाब की टीम के बारे में बताएं कि उस टीम की खासियत क्या है और क्या मैच विनिंग टाइम हो सकता है पंजाब के लिए आज। पंजाब की टीम के पास अच्छे फॉरनर बैट्समैन है और बॉलर है, यानी कि फॉरन खिलाड़ी अच्छे हैं। सैम करन है, लियम लिविंगस्टन है, उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा आईपीएल में, लेकिन वो अच्छे प्लेयर है। उन दोनों ने ही लास्ट मैच जिताया, उसके बाद शिखर धवन का एक्सपीरियंस है, कगिसो रबाड़ा का एक्सपीरियंस है और राहुल चहर हैं। इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप खेले थे राहुल चहर, आपको याद हो दुबई में कोरोना के बाद जब वर्ल्ड कप हुआ तो इंडियन टीम में थे। उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह जैसा एक अच्छा इंडियन बैट्समैन है, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, अच्छे फॉरेन प्लेयर्स भी हैं और अच्छे इंडियन प्लेयर भी है शिखर धवन
और राहुल चहर, तो उनकी टीम ओवरऑल अच्छी बैलेंस है, बस ये दिक्कत कहाँ आती है प्रत्यक्ष की दोनों टीमों में? दिक्कत कहीं नहीं है, भारत ने बहुत बड़ी बात कही है। प्रीति जिंटा भी हैं, उनका टीम से क्या कनेक्शन है? टीम से कनेक्शन ऐसा है ना कि अगर थोड़ी फैन बेस इधर उधर जा भी रही होती है ना, पिछले मैच में तो आपने देखा था जो खूबसूरती, जो अदायगी प्रीति जिंटा की सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, मुझे लगता है सिर्फ पंजाब की, सिर्फ जो फैंस है सिर्फ वही नहीं, पंजाब के जो खिलाड़ी हैं ना, उनके मन में भी आई होगी चीज़ की भैया इस खूबसूरती की लाज तो रखनी है। तो आज के मैच में मुझे लग रहा है कि पंजाब की टीम उस खूबसूरती के लाज को बचाने के लिए भी खेलेगी। फैन फॉलोइंग तो विराट कोहली की भी बहुत ज़्यादा है, उसी पे तो मैं आ रहा हूँ ना कि पूरी की पूरी आरसीबी विराट पर ही टिकी हुई है, और विराट कोहली है कि वो कप्तानी लेने को अभी भी तैयार नहीं है। अभी हालांकि बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता हमेशा से चटपटा सा रहा है, इन्होंने प्रीति जिंटा का नाम लेकर के पूरे इस सेगमेंट को ही बहुत ही रोचक और विवादित दोनों एक साथ में बना दिया। हिमांशु, बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी है, अब बताइए। नहीं, ये गलत है कि पूरी की पूरी टीम विराट कोहली पे टिकी, ये कैसे हो सकता है? फाफ डू प्लेसिस को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, स्टार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो प्रीति, मेरा वो संदर्भ अलग था, लेकिन मेरा, मैं अभी भी इस चीज़ पर बहुत अड़ा हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं अभी के समय में ना विराट कोहली को आ जाना चाहिए आगे, क्योंकि हमने देखा है रविंद्र जडेजा को मिली थी कप्तानी पिछले सीज़न में, फिर बीच में ही महेंद्र सिंह धोनी, हाँ फिर दो तीन सीज़न पहले, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, दो तीन सीज़न पहले देखा था कि रविंद्र जडेजा के पास कप्तानी थी, आ गए, फिर महेंद्र सिंह धोनी बीच में कप्तानी में आ गए, विराट कोहली को भी मुझे लग रहा है कि अब कप्तानी अपने हाथों में लेनी चाहिए। अभी अभी ताज़ा ताज़ा तो छोड़ी है, कुछ तो प्रयोग करने दीजिए। ले लेना प्रयोग, अब कितना पता चला ये प्रयोग जब तक सफल हो तब तक विराट कोहली, इनके भीतर का फैन फिर से एक बार जाग चुका है। हिमांशु, क्या ये फैन बोल रहा है या आंकड़े बोल रहा है? बिल्कुल फैन बोल रहा है प्रत्यक्ष, नहीं लेंगे कप्तानी वापस किसी कीमत पे नहीं लेंगे। अगर विराट ने फैसला ले लिया है, उन्होंने कप्तानी सोच समझ के छोड़ी है, इंटरनेशनल क्रिकेट से छोड़ी है और आईपीएल से भी छोड़ी है, उनका खुद का निर्णय है, फ्रेंचाइजी ने उनको मजबूर नहीं किया था, उन्होंने कप्तानी अब छोड़ दी है, वो वापस कप्तान नहीं बनेंगे, हमें सबको मान लेना चाहिए। यानी विराट एज अ प्लेयर, एज अ बल्लेबाज, वो अपने स्किल और अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहते हैं, आप ये कई बार ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, कई बार अपने स्टेटमेंट्स में आपने ये बार बार, ये वीडियो शुरू होने से पहले भी आप ये बात कह रहे थे। भारत, आपके लिए तो बहुत निराशावादी चीज़ें ये बोल रहे हैं, नहीं आएंगे विराट कोहली, यार क्यों होप लगा रहे हो? देखिए, ये कह रहे हैं निराशावादी वाली चीज़, पर आरसीबी की फैंस की सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, वही आशा है। आरसीबी का फैन पहले दिन से, आईपीएल जब से शुरू हुआ है उसके दिन से लेकर जब तक आईपीएल चलेगा, इसी आशे पर टिका रहेगा, इसी आशा पर कि भैया किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि विराट कोहली बोलेंगे चलो भैया आप दे दो मुझे टीम मेरे हाथ में, मैं चलाता हूं और मैं दिखाता हूं कि आपको वर्ल्ड आईपीएल कैसे जीता जाता है, वर्ल्ड के तमाम बड़े खिलाड़ियों के सामने किस तरीके से खेल खेला जाता है। वो अलग बात है कि बल्ला उस हिसाब से नहीं गूंजा है, लेकिन आज कौन जानता है, शायद वन मैन शो। ये वही फैन है कि मैं खुल के सीना ठोक के सामने आता हूँ कि आरसीबी कितना भी मैच हार जाए, मैं रहूँगा तो उसी के साथ, मैं रहूँगा तो विराट कोहली के साथ। हिमांशु, पंजाब टीम के बारे में अब थोड़ी सी और बात करेंगे, और पंजाब टीम पहला मैच जीती है, जाहिर सी बात है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और बेंगलोर की पिच बैट्समैन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल पिच है, तो आज बल्लेबाजों से क्या उम्मीद है? पहले बल्लेबाजों पर ही बात करेंगे। पंजाब की टीम हर बार अच्छी शुरुआत करती है प्रत्यक्ष, लास्ट सीज़न में, उससे पिछले सीज़न में हर बार अच्छी शुरुआत करती है, एक प्रॉमिसिंग वो जो स्टार्ट होता है ना आईपीएल का, वो हर बार देती है। दिक्कत कहाँ थी कि जब आधा इनका सीज़न निकल जाता है 7 मैच के बाद, उसके बाद ये डाउन जाना शुरू करते हैं, और उसके बाद 1-2 मैच जीतते हैं और 5वें-6वें नंबर पर रहते हैं, 5वें-6वें-7वें इनका फिक्स स्पॉट है। ज़्यादातर सीज़न आप उठा के देखेंगे पंजाब की टीम 5वां-6वां-7वां, शुरू के 7 मैचेस में अच्छा खेलेगी, लेकिन उसके बाद टीम को क्या होता है, एक तो लीडरशिप ग्रुप, जो लीडरशिप ग्रुप की उस एक कमी है ना वो पंजाब में शुरू से रही है। एक टाइम था जॉर्ज बेली का, मिचेल जॉनसन थे, वीरेंद्र सहवाग थे, और उस टाइम अनिल कुंबले या शायद कोई और कोच था इनका, उस टाइम एक लीडरशिप ग्रुप अच्छा बन गया था, लेकिन अभी के समय में और पिछले कुछ सीज़न में इनके पास लीडरशिप ग्रुप की कमी रही है, जिसकी वजह से ये सेमीफाइनल या फाइनल नहीं पहुँच पा रहे हैं। लीडरशिप की कमी है, पंजाब टीम 6-7 मैच शुरुआती अच्छे खेल रही है, बेंगलोर के साथ क्या दिक्कत हो रहा है भारत? बैंगलोर के साथ मैंने वही जैसा बताया, लीडरशिप की कमी तो नहीं है, लीडर्स तो हैं हमारे पास, 2-2 लीडर का मैंने पहले जिक्र कर दिया है, पर टीम को किस तरीके से बांधना है ना, मुझे लगता है वो छितर बितर हो जाता है आखिरी आते आते ना, मुझे लगता है 10 ओवर खत्म होते होते ही आरसीबी बिखरने से लग जाती है। लीडरशिप की ही तो कमी है ये। अगर लीडरशिप ग्रुप की कमी नहीं है तो टीम क्यों बिखर रही है? आप लीडर, मैं देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि लीडर्स हैं टीम में,
लेकिन फाफ जो मैंने आपको बताया, आपने बोला कि लीडर नहीं है, ये फर्क है। आपने पॉइंट दे दिया उनको बोलने के लिए। पंजाब में कौन लीडर है कौन कैप्टन है जरा बता दीजिए। देखिए दोनों चीजों में फर्क समझिए। कैप्टन का काम होता है टीम फॉर्मेशन बनाना, कौन गहरा खेलेगी, कौन सा फील्डर कहाँ लगेगा और अभी बॉलिंग कौन डालेगा, ये सब चीजें बैट्समैन कौन जाएगा। एक लीडर का काम होता है टीम को साथ लेके चलना और अपने प्लेयर से बेस्ट निकलवाना। अब आप शिवम कप्तान का ही है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि टीम के अंदर अब दो समानांतर लोग हो जाए, एक हो जाए कप्तान एक हो जाए लीडर। तो भैया हम तो कह ही रहे हैं कि आरसीबी में लीडर तो लीडर भी होना चाहिए कोहली को और कप्तान भी होना चाहिए कोहली की। हालांकि हिमांशु ने बोला है कि कप्तानी उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी है, वो कप्तान दोबारा नहीं बनेंगे। लेकिन इंडिया के हर फैंस जो कि आरसीबी को मानते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं कि आरसीबी आईपीएल जीते, वो यही उम्मीद कर रही है कि इस बार विराट कोहली एक लीडर के तौर पर ही सही लेकिन फील्ड पर टीम को जोड़ते हुए दिखाई दे और मोहम्मद सिराज हो जाएं। ये तमाम लोग बहुत अच्छे बॉलर हैं। नहीं भैया, मोहम्मद सिराज खुद आ जाओ ना गेंद लेकर हाथ में। ये विराट कोहली को कप्तान बना के मानेंगे, ये बड़े कट्टर वाले फैन है विराट कोहली के और आरसीबी की लीडरशिप पे ये तब तक सवाल उठाएंगे जब तक विराट कोहली फिर से वो कप्तानी की टोपी अपने सर पे ना पहन ले। हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से हिमांशु की बात सुन रहे हैं। 7 साल विराट कोहली कैप्टन रहे हैं आरसीबी के और उनके पास टीम क्या थी, तिलक रत्न दिलशान, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन और नीचे युजवेंद्र चहल, मिचेल स्टार्क बॉलिंग में। उस टीम को वो नहीं जिता पाए। विराट कोहली बतौर टेस्ट कैप्टन एक बहुत अच्छे कैप्टन रहे लेकिन आईपीएल में उनकी कैप्टनसी उस लायक नहीं रही है और वो कैप्टन नहीं बनेंगे। इसी वजह से 7-8 साल उन्होंने कप्तानी की है, 7-8 साल सोचिए आप, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर उनकी टीम में थे। अब तो हिमांशु की नाराजगी भी सामने से आ रही है। तो ऐसे ही चटपटी नोकझोंक और ऐसी ही चटपटी बातें इस आईपीएल पंचायत में बनी रहेंगी। हम इजाज़त लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में, इस सेक्शन में आपको ये कैसा सीरीज समझ में आ रहा, कितना अच्छा पसंद आ रहा है, आप ये कमेंट सेक्शन में सुझाव अपने ज़रूर लिखें। और आप कमेंट करते हैं ना तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी सुधार करने का मौका मिलता है। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, अगला वीडियो फिर से बहुत जल्द आपके सामने आएगा अगले मैच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।